हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी टाइम हो गया है 6 PM इन द इवनिंग। गोवा बीचेस में घूम के आने के बाद ये मेरा पहला ब्लॉग है और नया साल में भी ये मेरा पहला ब्लॉग है। सो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा कटे। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। आज का ब्लॉग होने वाला है कुकिंग ब्लॉग। उससे पहले अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और अभी 6 PM हो गया है, बट बाहर देखने से आपको लगेगा नहीं कि अभी 6 PM हो गया है और इवनिंग हो गया है, क्योंकि गोवा में इतनी जल्दी अंधेरा नहीं होता, इसलिए अभी अंधेरा नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा चलो पहले थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ, चाय पीती हूँ, क्योंकि आज सुबह से तबीयत उतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए लंच करने के बाद थोड़ा सा मैंने सो लिया। अभी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है तो अभी आई हूँ किचन में। पहले मैं अभी बनाऊँगी चाय। अभी मैं आ गई हूँ किचन पे और थंबनेल देख के आपको तो पता लग ही क्या होगा मैं क्या बनाने वाली हूँ। यस, मैं बहुत दिन से सोच रही थी बंगाली स्टाइल चाउमीन बनाऊँ, हो नहीं रहा था, सो आज मैं फाइनली बना रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बंगाली स्टाइल चाउमीन बनाने के लिए मुझे जो जो लगेगा, ये मैंने बॉयल किया हुआ चाउमीन यहाँ पर रख दिया है, ये है पीनट्स, इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, मैं पीनट्स यूज़ करती हूँ, और ये है ब्लैक पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर को मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, ये है कैबेज जिसको थोड़ा सा पतला पतला कट कर लिया है, ये है पोटैटो, पोटैटो को थोड़ा सा मोटा मोटा कट करना है, कैप्सिकम ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, अगर आप ना चाहो तो ना यूज़ करो, मेरे पास एक था इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 2 eggs, और ये है 2 green chilies, मैं इसको छोटा छोटा करके कट करूँगी, और ये है ऑनियन जिसको मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। बड़े चम्मच व्हाइट ऑयल ऐड कर दिया है। अभी व्हाइट ऑयल हल्का गर्म होने के बाद मैं ऐड कर दूंगी पीनट्स। पीनट्स ऐड करके हल्का सा फ्राई करके इसको उठा के रख देना है। नाउ वी विल ऐड पोटैटो, और अभी इसके बाद इसमें सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर भी ऐड कर देंगे साथ साथ में, फिर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। When it will cooked up to 70%, then we will add other veggies altogether. Let's fry it, guys. 2 minutes more. अभी वेजीज को एक्साइट करके we will add some oil. Guys, मैंने already वेजीज के साथ ही ग्रीन चिली भी ऐड कर दिया था। अभी एक को फ्राई करने के बाद वी विल मिक्स इट टुगेदर एंड देन लास्ट में इसमें ऐड करेंगे बॉईल किए हुए चाउमीन, फ्राई किए हुए पीनट्स
एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट ब्लैक पेपर पाउडर एंड देन मिक्स इट नाइसली एंड सर्व इट हॉट। और इसी टाइम पे अगर हो सके तो सॉल्ट भी एक बार चेक कर लेना, आपको अगर कम लगे तो ऐड भी कर सकते हो। बहुत अच्छा एक खुशबू आ रहा है, आप घर पे जरूर ट्राई करना। और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज टू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन देन यू विल गेट नोटिफाइड इंस्टेंटली। सो सी यू ऑन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन स्टे ट्यून्ड।